IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। IMF ने भी पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मंसूबा मान लिया। वजारत खजाना और IMF में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। चीन से 3.5 अरब डॉलर, UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग होगी। हुकूमत का इलेक्शन से पहले बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात का फैसला। इलेक्शन एक्ट में 73 तरामीम इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सामने रख दी। अयाज सादी की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तरामीम का इब्तदाई जायजा मुकम्मल किया। 73 में से 70 तरामीम पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल भी हो गई। PTI ने कमेटी इजलास का बैकआउट किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वहां से किया, मौजूदा असम्बली अपने वक्त पर तहरील होगी। बादलों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। कल से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। कराची समेत सिंध में भी 13 से 17 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा।